हेलो हेलो। सो वेलकम फ्रेंड्स। टुडे वंस अगेन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो अप टिल नाउ टिल द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लेंसेज सॉरी मिरर्स कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर एटसेट्रा। सो नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट विद the new term that is called as the refraction of light. So at first we will see what is the difference between reflection and refraction. The reflection kaisa hota hai beta, a polished surface hota hai, aapko opaque polished surface, wahan pe light agar gir jata hai to kya hota hai, it bounces back in the same medium. To reflection agar aapka aa gaya to reflection kya deta hai aapko, इन रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। तो यहां पे अगर अब अगर हम रिफ्रैक्शन ले लेंगे तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होते हैं, दो या दो दो से ज्यादा। ओके सो इसको मैं बोलता हूं मीडियम वन, इसको बोलता हूँ मीडियम टू। सो हियर इन रिफ्रैक्शन वी विल कंसिडर द जर्नी ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो इन रिफ्रैक्शन व्हाट वी विल स्टडी, इन रिफ्रैक्शन व्हाट विल हैव, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो रिफ्रैक्शन में कैसे करेंगे वो अभी हम पता करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज मीन बाय द रिफ्रैक्शन, सो व्हाट हैपेंस, सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, so when the light enters at the boundary of two different media, then it changes its path. It changes its path. So it's a process of changing the path of the light when it comes across the boundary separating two media. So it's a phenomenon of changing path of light ray when it comes across boundary separating two media. So whenever the light will come across the boundary which is separating the two media, okay, it's called as the refraction of light. Okay, in general we can also define the refraction like bending of light at interface of two different media, but I will not suggest to keep in mind this because bending means you will like, so it is not like this, it is not bending like this. Bend का मतलब क्या, ऐसे जा रहा था बाद में खुद को उसने change किया, because light always travel in a straight line. तो इस पॉइंट पे क्या होगा, उसका उसका जो ये पाथ था एक्चुअल पाथ, सो लाइट हैज समवेयर चेंज्ड आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, ऐसे भी जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे बेंडिंग। तो साइंटिफिकली आपको अगर उसमें पढ़ना होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम
इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, फिनोमेनन ऑफ चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट कम्स अक्रॉस बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया. ऑफ कोर्स इट गोज थ्रू दैट मीडियम. सो हियर मीडियम वन एंड हियर मीडियम टू बोलते हैं. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन विल बी वेयर वी फाइंड दिस रिफ्रैक्शन, वेयर वी फाइंड दिस रिफ्रैक्शन. तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल आपको अगर देना होगा रिफ्रैक्शन का, तो हम बोलेंगे आपका जो बकेट होता है, ओके टेक अ बकेट, ओके और यू डू एक्सपेरिमेंट. हाँ एक्सपेरिमेंट, टेक अ बकेट, बकेट में बेटा पानी भरो. क्या करने का है? बकेट में आपको पानी भरने और उसका जो बॉटम है वो देखते रह जाओ. तो आपको ऐसे दिखेगा कि उसका बॉटम थोड़ा सा ऊपर आया है, बॉटम उसका थोड़ा सा ऊपर आया है. तो एक्चुअल में अगर आप हाथ डाल के देखोगे तो आपको समझेगा कि इतना ऊपर नहीं, वो नीचे है. रीडिंग में पॉइंट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सेकेंड, आप कभी ऐसा भी करके देखो, एक बीकर ले लो कांच का, उसमें पानी डालो और यहाँ पे आपका पेंसिल रखो, तो आपको क्या दिखता है? ये जो आपका पेंसिल है ना, एक्चुअली ऐसे स्ट्रेट दिखना चाहिए ना, सेम दिखना चाहिए. तो आपको क्या दिखता है? आपका पेंसिल थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा इधर से खिसका हुआ दिखता है आपको. तो ये जो कट दिखता है आपको, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? आपका एयर होता है और अंदर में आपका क्या है? आपका वाटर है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द टर्म रिफ्रैक्शन. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो इफ नॉट, इफ एनी क्वेरीज देयर यू मे आस्क मी, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो अभी आगे जाते हैं, एक्चुअल रिफ्रैक्शन में क्या है वो देखेंगे. तो रिफ्रैक्शन सीखने के लिए अपन को पहले वी हैव टू स्टडी द टू टर्म्स. ओके, वो कौन से टर्म है आपको बताता हूँ. उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम. ओके, तो देर आर टू टाइप ऑफ मीडियम. ओके, कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम. तो अभी एक एक हम देखते हैं. पहले देखते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. तो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली मतलब ऑप्टिक्स मतलब अपना जो पूरा लाइट का फिनोमेनन है वो. तो अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लेते हैं और दूसरा हम लेते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम, तो उसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअल बिटवीन ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेरर मीडियम? तो डिफरेंस इज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. तो आपको मालूम है, सपोज यहाँ पे मैंने ग्लास रखा है, तो यहाँ पे आपको ग्लास में, ग्लास के खुद के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मतलब एटम्स वगैरह सब वो पूरा, मतलब क्रिस्टल केमिस्ट्री में घुसेंगे वो सब. मतलब ग्लास में लाइट को अगर जाना है और लाइट को एयर में जाना है, यहाँ पे ग्लास रखा है मैंने, तो इफ यू ऑब्जर्व दैट व्हाइल गोइंग इन एयर लाइट विल नॉट हैव मच मोर डिस्टर्बेंस, मच मोर ट्राफिक. और उधर एकदम आपको रफ लैंग्वेज में था तो ट्राफिक नहीं होगा उधर. लेकिन जैसे ही वो ग्लास में घुसेगा, अंदर ग्लास के अंदर जाएगा, तो ग्लास के अंदर में जाते समय उसको द लाइट विल फेस सम अपोज, बिकॉज द डेंसिटी, ओके डेंसिटी ऑफ ग्लास विल बी मोर देन डेंसिटी ऑफ एयर. तो ऐसे ही
जो मीडियम होते हैं ग्लास है वाटर है ये बोले जाते हैं हैविंग हायर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ से अपने को एक मोर टर्म मिलता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज द मेजर ऑफ क्या है, हाउ मच फास्ट और स्लो लाइट विल गो थ्रू दैट मीडियम। तो पहले ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है, तो पहले हम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का स्टडी करते हैं। तो वो डेंस है इसका मतलब उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम सेपरेट नहीं है, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। ओके, तो इन दैट मीडियम इट इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रैवल्स। इट इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स, डेंसर बोला है, डेंस है कंपैरेटिवली स्लोअर। सो इट इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली स्लोअर। और दूसरा है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दूसरा क्या है आपका, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इट इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली, इट इज द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स कंपैरेटिवली फास्टर। तो अगर आपने दो लिया, दो को अगर आपने दो कौन सा भी मीडियम लिया, फॉर एग्जांपल आपने लिया एयर और यहाँ पे लिया ग्लास, तो एयर में फास्ट जाएगा, ग्लास में स्लो जाएगा। आपने लिया अगर दूसरा एग्जांपल एयर लिया और वाटर लिया, तो भी एयर में फास्ट जाएगा, वाटर में स्लो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल डेंसिटी और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेडर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो फ्रेंड्स, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेडर मीडियम। नाउ वी विल गो फॉर डिस्कसिंग द टू इम्पॉर्टेंट रूल्स व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो उसमें वन मीडियम कौन सा होगा, रेरर टू डेंसर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेरर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूल हम अपने लिए आज पढ़ेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विथ रूल वन। ओके, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर, तो रेरर टू डेंसर अगर जा रहा है लाइट, तो मैंने कैसे दिखा सकता हूँ, जो रेरर मीडियम है उसको ब्लैंक दिखाओ और जो डेंसर मीडियम है उसको थोड़ा सा कलर करके दिखा दो, है ना। तो ये बन गया अपना डेंसर मीडियम, ऊपर वाला बन गया रेरर। तो इसको बोलता हूँ रेरर और इसको बोलता हूँ डेंसर। तो इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर क्या होता है, ये अपना लाइट ऐसे आ गया है ना। तो सपोज ये अगर कुछ नहीं होता तो ये कैसे जाता, ऐसा ठीक ठाक अपना ठीक से चला जाता। तो यहाँ क्या होता है, अगर लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर देन इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या होता है, इट गेट्स बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर से एक बार बताओ, बेंडिंग का मतलब ये नहीं है, टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब ये ऐसे जा रहे हैं तो खुद को थोड़ा सा ऐसा बेंड करेगा। बिकॉज वी आर नोइंग द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे कभी भी मोड़ नहीं सकते। तो बेंड को बोलने का मतलब क्या है, ये जो ऐसे ठीक से चल रहा था स्ट्रेट में वो ऐसा बेंड हो गया, बाकी कुछ नहीं। सो इट बेंड्स फ्रॉम बेंड्स टूवर्ड्स द
नॉर्मल, तो यहाँ पे मैं ऐसा दिखाता हूँ, इसको नॉर्मल बोलता हूँ। तो ये मेरा था इंसिडेंट रे, तो इसको नाम लेके नाम डाल के रखता हूँ इंसिडेंट रे। इसको अभी रिफ्रैक्शन देख रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्टेड रे बनाना है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये मेरा बन जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये मेरा क्या बन गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये बन गया इंसिडेंट रे। नाउ सिंपल है, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ओके okay. तो ये हो गया पहला वाला। अभी दूसरा वाला रूल क्या बोलते हैं, दूसरा वाला, इफ लाइट गोज फ्रॉम, इफ लाइट इसके उल्टा हो जाए, इफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या हो जाता है, अभी वो इस केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। पहले वो क्या होता, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे दिखाएंगे, पहले एक इंटरफेस लेते हैं, बाद में एक नॉर्मल बना के लेते हैं, और ये मेरा डेंसर मीडियम ऊपर वाला है अभी, ऊपर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नीचे से ऊपर भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ से मेरा लाइट रे पास हो रहा है, ये देखो, सपोज ये मेरा लाइट रे, तो एक्चुअली ये ऐसे जाना चाहिए था, बराबर। ओके, तो इसको मैं मीडियम दिखा के देता हूँ, इसको बोलता हूँ डेंसर, इसको बोलता हूँ रेयर। तो ये ऐसे है, तो इट विल बेंड अवे, तो ये टूवर्ड्स हो गया, तो अवे कैसे आएगा, ऐसे आएगा, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बन गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे, है ना, एंड इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो बन गया आपका इंसिडेंट रे, ये बन गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, दिस टू रूल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल आपको याद नहीं है, रूल आपको पता नहीं है, तो आगे आपको कुछ रिफ्रैक्शन समझने वाला नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट यू एवरीबडी टू फर्स्ट गो थ्रू दिस टू रूल्स। तो ये अपने दिमाग में पक्का करो, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। तो अभी हम क्या करेंगे, ये होने के बाद जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा, वैसे ही ऑन द सेम नोट देर आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो। तो रिफ्रैक्शन के लॉ कैसे बनाते हैं, तो उसमें पहला वाला लॉ है वो सेम है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे दे विल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, और दूसरा वाला क्या आएगा आपका, दूसरे वाले में आपको एक बड़ा साइंटिस्ट था, उसका नाम है, साइंटिस्ट था स्नेल, स्नेल नाम आपको मालूम होगा, तो वो स्नेल का रूल अभी हम सीखेंगे, इट इज कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ। ओके, सो विल स्टार्ट विद स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ तो मैं भी बताया आपको, तो लिखने का जरूरत नहीं है। आईएमपी कौन सा है आपको, आईएमपी है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बताता है, बताता है, देखो ठीक से देखो अभी, उसका स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट के लिए हम कैसे लिखते हैं, साइन, ओके, ये साइन मतलब आपका साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ये नहीं, आपका रेशियो में बताना पड़ा, एक मिनट एक मिनट, वेट 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 ऐसा नहीं, डायरेक्टली बताता हूँ ओके, तो बड़ा आगे जाएगा। नेक्स्ट का क्या बताते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ठीक चलेगा आपके लिए, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके इज कॉन्स्टेंट फॉर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जो आपको दो मीडियम का पेयर दिया है उनके लिए वो कॉन्स्टेंट रहेगा। सो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी स्नेल ने आगे जाके क्या किया, तो स्नेल ने आगे जाके एक डिफाइन किया एक टर्म, उसको बोला उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स फाइंड किया जो आपको एग्जैक्टली दिखाएगा कि दो मीडियम में कैसे रिलेशन है। तो स्नेल्स लॉ कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसको ईटा बोलते हैं, एन बोलते हैं, हाँ एन ओके, मैं अभी इसको एन बोलता हूँ, फिर एन इज कॉल्ड एज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये पहले मैंने सीखा है, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो इससे मैं ये भी बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बता सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट, बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ से बताया है रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट फॉर गिवन पेयर। तो अगर आपने ग्लास और वाटर लिया, और ग्लास और एयर लिया, उनके उनके लिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा, कौन सा भी ग्लास ले लो मतलब वो सेम टाइप का होना चाहिए। मेरे यहाँ का वाटर लिया और एक ग्लास लिया, वही ग्लास आपके यहाँ के वाटर में उसको डाला, तो भी वो दोनों के लिए वो तो कांस्टेंट रहेगा। सो वॉट एवर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कब तक कांस्टेंट है, जब तक आप अपना मीडियम चेंज नहीं करते, अगर आप अपना मीडियम चेंज नहीं करते तब तक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी माना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एयर वाटर, एयर ग्लास, ग्लास वाटर, वाटर ग्लास, ये सबके लिए उनका सबका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? ओके। सो बेटा नाउ फॉर यू पीपल इट्स वेरी सिंपल, ओके, ये समझ गए आपको? ओके। तो यहाँ से आगे जो मैं आपको सिखाने जाने वाला हूँ दैट इज वेरी मच, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है मैं, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस, इट्स VVIMP, ओके ओके, उसको VVIMP लिख दो। तो मैं आपको अभी यहाँ इस क्लास में आज ये हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के क्लास में इसके आगे जाएंगे। तो ये क्लास में अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो पहला पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट है VVIMP, ये क्या है, यहाँ पे हम दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखेंगे, ओके। दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, ओके तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको बताता हूँ, नंबर वन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पहले हम सीखेंगे। आज लगता है मुझे एक ही हो जाएगा, ठीक है एक हो जाएगा, तो अगले वाला हम कल देखेंगे। सपोज देर आर टू मीडिया,
एंड वाई, अपने हाथ में दो मीडियम है एक्स एंड वाई, देन ईटा और एन एक्स वाई, इसको क्या बोलेंगे? ठीक से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहे तो अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो, बाद में आपको नो प्रॉब्लम, ओके। इसको बोलते हैं, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड दूसरी होती है एन वाई एक्स, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे, ओके। ईटा और एन एक्स वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ओके, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई वाई को बोलेंगे वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, ओके, तो एन एक्स वाई और ईटा एक्स वाई विल बी इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन वाई, ये फॉर्मूला बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें से फॉर्मूला क्या बनता है, एन एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन एन वाई, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी रेशियो है, और ये जो होते हैं एन एक्स एंड एन वाई, इनको बोलते हैं हम, इसको अगर हमने रिलेटिव बोला तो इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसका होगा, ऑफ कोर्स एक्स का, और ये किसका होगा, वाई का होगा, सो दीज आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो ये बन गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स, और ये बन गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई, ओके। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया, तो ये मेरे को मिल गया, ओके। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो अभी हम वो डिफाइन करते हैं, नंबर टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ओके, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, फॉर एग्जाम्पल एन एक्स और ईटा एक्स मैंने लिखा, ये क्या बन गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। तो वो कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं एन एक्स अपॉन एन ए, वेयर एन ए विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लेकिन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को लेते हैं हम वन, हम क्या लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को लेते हैं हम वन, इसीलिए ये आपका एन एक्स एक्चुअली कैसे होता है, एन एक्स वन, दैट इज एन एक्स अपॉन वन, ओके। सो एन एक्स ए बनेगा, ये एन एक्स ए एक्चुअली, इसको एक्चुअली कैसे लिखना पड़ेगा आपको, एन एक्स ए, लेकिन उसको दिखाते कैसे, एन एक्स ईटा एक्स, तो इसीलिए मैंने उसको ये बना दिया। तो ये बन क्या बन गया अपना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बन गया आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही ठीक से आराम से इसको रिकॉल करेंगे, तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दिस लेक्चर अगेन एंड अगेन। मैंने आपको तीन पॉइंट आज समझाए, पहला पॉइंट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो इसको ओवरव्यू लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या, जिस मीडियम में लाइट फास्ट जाएगा वो बोलेंगे रेरर मीडियम,
उसका डेंसिटी कम होगा, तो इसीलिए उसको कम है इसलिए उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट फास्ट ट्रैवल करेगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली, सॉरी मैं कुछ गलत गलत बोलती है, जिस मीडियम में लाइट स्लो जाए उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, क्योंकि उसको अपोज होगा ना ट्रैफिक जैसा। और जिस मीडियम में लाइट फास्ट जाए उसको बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट स्लो जाएगा और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में लाइट फास्ट जाएगा। उसके बाद में हमने सीखा, क्या सीखा, रेयर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बाद में हमने क्या सीखा, स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ में हमने जो सब बातें सीखा है बेटा, तो उसके बाद में हमने क्या सीखा, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑलवेज रिमेन्स द कॉन्स्टेंट, किसके लिए, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। और उस रेशियो को ही बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिखते हैं। उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है रिलेटिव दूसरा होता है एब्सोल्यूट। अगर रिलेटिव चाहिए तो ऐसा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एक्स अपॉन एन वाई, दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। आपको ध्यान में रखना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो टुडे वी शुड स्टॉप हियर, टुमारो वी विल गो विथ सम मोर रिलेशंस रिलेटेड विद द वेलोसिटी ऑल्सो। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, रीड एनसीईआरटी, रीड माई नोट्स ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, बाय बाय।